नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मसूद अजहर ने ऑडियो जारी कर भारत को दी धमकी, अयोध्या में राम मंदिर बना तो दिल्ली से लेकर काबुल तक मचेगी तबाही। किसान आंदोलन के मंच पर पहुंचा विपक्ष, सरकार को घेरा, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला। तेलंगाना चुनाव से पहले कांग्रेस ने अजरुद्दीन को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, बनाया प्रदेश अध्यक्ष, संदीप दीक्षित बने एआईसीसी के सचिव। और राजस्थान में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने सोनिया, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। भारत में राम मंदिर मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और बहस जोरों पर है और इस बीच आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने एक ऑडियो जारी कर भारत को धमकी दी है। मसूद अजहर ने कहा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बना तो दिल्ली से लेकर काबुल तक तबाही मचेगी। वहीं मसूद की इस धमकी के बाद खुफिया सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। भारत को धमकी देते हुए मसूद अजहर ने बाबरी मस्जिद को लेकर 9 मिनट का ऑडियो जारी किया है। मसूद ने धमकी देते हुए कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया गया है। ऑडियो में जैश सरगना मसूद अजहर कह रहा है कि अगर बाबरी मस्जिद वाले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ तो मेरे लड़ाके दिल्ली से लेकर काबुल तक धमाके से तबाही मचा देंगे। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए एक बार फिर से देश भर के किसानों ने संसद मार्च किया। किसानों की कर्ज माफी और फसलों की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर विभिन्न राज्यों के किसान दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि अगर पीएम मोदी अपने 15 सबसे अमीर दोस्तों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो उन्हें देश के करोड़ों किसानों का कर्जा भी माफ करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश को अंबानी अडानी के बीच में बांट दिया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर किसानों की नहीं सुनी गई तो वे 2019 में मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में कयामत ढा देंगे। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। भूमि सौदे के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में बहुत जल्द रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ भी कर सकती है। गौरतलब है कि डीएलएफ और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज मामले की जांच ईडी के हाथों में है। हरियाणा के शिकोहपुर जमीन सौदे की जांच ईडी के पास है। करीब 5,000 करोड़ के मुनाफाखोरी का मामला सीबीआई के पास भी है। उल्लेखनीय है कि रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन को तेलंगाना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। इसी के साथ जमीनी रूप से ताकत बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने अपनी टीम में परिवर्तन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया है। आगामी 7 दिसंबर को यहां विधानसभा की 119 सीटों के लिए लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। बीते 2 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही बयानबाजी के बीच सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पलटवार किया है। सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बन गया है। अगर वे भारत के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहते हैं तो उन्हें एक सेक्युलर देश बनना होगा। हम एक सेक्युलर देश हैं, अगर वो हमारा जैसा बनना चाहते हैं तो कुछ हो सकता है। सेना प्रमुख बोले कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा है कि आप एक कदम बढ़िए तो हम 2 कदम बढ़ेंगे, लेकिन अगर उनका एक कदम सकारात्मक हुआ और उसका असर जमीन पर दिखा तो ही कुछ हो सकता है। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। उच्चतम न्यायालय ने कथित तौर पर रामदेव के जीवन पर आधारित पुस्तक के प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ प्रकाशक की याचिका पर योग गुरु को नोटिस जारी किया है। रामदेव ने दावा किया था कि पुस्तक में मानहानिकारक सामग्री है, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने 29 सितंबर को रोक का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि हम प्रतिवादी संख्या 1 रामदेव को नोटिस जारी करेंगे। पीठ ने इस मामले को आगे सुनवाई के लिए फरवरी 2019 के पहले हफ्ते में सूचीबद्ध किया है।
पुस्तक के प्रकाशक जगरनट बुक्स ने उच्च न्यायालय के 29 सितंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। शाहरुख खान की फिल्म जीरो पर चल रहे विवाद के बीच मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया है कि फिल्म जीरो की जांच कर रिपोर्ट 18 दिसंबर से पहले सौंप दी जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिख समुदाय द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सीबीएफसी फिल्म जीरो की ठीक से जांच करे। गौरतलब है कि बीते दिनों जीरो का ट्रेलर रिलीज होते ही शाहरुख की यह फिल्म विवादों में भी आ गई है। ट्रेलर में गत कृपाण वाले दृश्य पर पहले रिलीज के सिख समुदाय ने अपनी आपत्ति दर्ज की थी। इसके बाद देश के अलग अलग जगह सिख समुदाय ने जीरो को लेकर विरोध जताया है। हाल ही में सिख समुदाय ने बॉम्बे हाईकोर्ट में शाहरुख खान सहित फिल्म के मेकर्स के खिलाफ उनकी भावना आहत करने पर रिट याचिका दायर की थी। राजस्थान की सत्ता में बीजेपी काबिज होगी या कांग्रेस, इसकी तस्वीर साफ होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, जिसके चलते राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई है। इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव ने सीधे कांग्रेस के दिग्गज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर खुले तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा, कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और बीजेपी ने केवल विकास। उन्होंने कहा, अशोक गहलोत की सरकार में राजस्थान में करोड़ों रुपए का जमीन घोटाला रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा किया गया और इसमें कांग्रेस के दिग्गज भी शामिल है। उन्होंने कहा, बीजेपी कभी भी जातिवाद धर्म की राजनीति नहीं करती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब फिर से विवरण जो मांगा है, आप जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान और तटीय जिलों में रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी के उस परिवार के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उन्होंने अशोक गहलोत जी के सरकार रहते हुए जिस सुविधा के साथ और जमीन खरीदने का काम किया है और बहुत सस्ते दरों में, और आज इन्वेस्टिगेशन जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसमें बातें सामने आ रहे हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और रॉबर्ट वाड्रा जी सारे लोगों के भ्रष्टाचार के बातें अलग अलग अब क्या इन्वेस्टिगेशन में है और कोर्ट्स के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 राजघाट नई दिल्ली से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। वर्ष 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर भारत सरकार की ओर से पूर्णतया स्वच्छ भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत राजस्थान डाक परिमंडल की ओर से परिमंडल स्तर पर 16 से 30 नवंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया। इसमें राजस्थान के प्रत्येक डाकघर में स्वच्छता संबंधी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वच्छता पखवाड़े के समापन पर सभी जिला मुख्यालयों पर डाक कर्मचारियों की ओर से विभिन्न माध्यमों से जनता में राष्ट्रपिता के स्वच्छता संदेश का प्रचार प्रसार किया गया। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 16 नवंबर से 30 नवंबर तक का पखवाड़ा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया और इसमें राजस्थान परिमंडल के सभी डाकघरों ने, मेल ऑफिसेज ने और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में, कॉलोनीज में स्वच्छता से संबंधित कार्य किए गए। विभाग के सारे कर्मचारियों ने इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लिया। सभी शाखा डाकघरों, हेड ऑफिसेज और सब ऑफिसेज में ये कार्य किया गया और सारी कॉलोनी में भी सफाई का कार्य किया गया। हर वीक में 2 घंटे हर कर्मचारी को हमारे यहाँ पे वो वॉलंटरीली श्रमदान करते हैं और सफाई का अभियान चलाते हैं। और इस पखवाड़े में इस विशेष अभियान चला के हमने पुराना रिकॉर्ड वीड आउट किया, जो ई वेस्ट है, ख़राब पड़े कंप्यूटर, प्रिंटर्स और दूसरे यूपीएस वगैरह हैं, उनको भी अलग किया और साफ सफाई की। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।